बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 के अंदर आज हम जीन सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। जीन सीक्वेंसिंग, सो जीन सीक्वेंसिंग क्या होती है? बेसिकली हमने कह लें कि बेस पेयर ऑर्डर को रीड करना होता है। बेस पेयर ऑर्डर की रीडिंग जो सी है, इसको हम जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि बेस पेयर क्या होता है। बेसिकली जब हम डीएनए बनाते हैं, लाइक इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो एक तरफ ए है, उसके अगेंस्ट टी है, ठीक है, फिर जी है तो उसके अगेंस्ट सी है, फिर टी है, ए है, ठीक है, फिर सी है, तो इधर जी है। सो ये बेसिकली एक ए और टी जो है ना, ये वन बेस पेयर है, वन बेस पेयर, ठीक। सो हम देखना चाहते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, दूसरे बेस पेयर ऑर्डर की जगह पे आप एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, तो वो उसको देखना भी, यानी मतलब उसको मालूम करना भी जीन सीक्वेंसिंग कहलाता है। सही। अच्छा, इसमें तीन स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनाने होते हैं। मतलब बड़ा डीएनए है, मतलब जिस तरह ह्यूमन डीएनए है, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर वन लेते हैं आप, उसका जो डीएनए है, तो उसके आप छोटे छोटे हिस्से बनाओगे। सही। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जनरेट पीसीज ऑफ डीएनए, जनरेट पीसीज ऑफ डीएनए इनटू स्मॉलर वन, ठीक है। लेकिन ये जो पीसेस बनाने हैं, ये आम पीसेस नहीं बनाने जिस तरह हमने पीछे स्लाइसिंग की थी, बल्कि ये जनरेट पीसेस किस तरह करने हैं हमने, कि ये जो पीसेस हैं, दे विल स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, कि एक पॉइंट से ही वो स्टार्ट हो, सही, और एंडिंग फ्रॉम एंडिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, एंडिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। आप कह रहे हो ये पॉइंट्स क्या हैं, बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। मतलब पहला आपका सीक्वेंस है ए टी, ठीक है, उसके हिसाब से आपका इधर बनेगा जी सी, ठीक। इस तरह एक और सीक्वेंस ए टी ए, तो उसका जो उसके अगेंस्ट बनेगा, सॉरी यहाँ पे टी आएगा और यहाँ पे ए आएगा, तो इसके अगेंस्ट जो बनेगा टी ए ए, सही। फिर ये पहला सीक्वेंस हो गया, ये दूसरा, इस तरह तीसरा ए टी ए जी, तो उसके अगेंस्ट बन जाएगा टी ए टी सी, ये तीसरा सीक्वेंस। तो ये ए टी से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब अगर आप देखें तो सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट डिफरेंट आ रहा है, सही, एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो इस तरह के आपने पीसेस बनाने हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो। फिर आप क्या करना है, उन्हें आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी है, ठीक है जी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगी, सेपरेशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इसके अंदर जो बड़े मालिक्यूल होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, छोटे मालिक्यूल्स आगे आ जाते हैं। मतलब ये सबसे टॉप पे, यानी इसका जो बैंड आएगा वो सबसे टॉप पे आएगा, फिर इसके पीछे ये वाला बैंड आएगा और सबसे लास्ट में ये वाला बैंड आएगा, ठीक है। इस तरफ पॉजिटिव एनोड होता है और इस तरफ नेगेटिव, सही। सो इस तरह बैंड्स आएंगे, तो उसे हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया। फिर उसके बाद आपने इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस को रीड करना है। सो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, रीडिंग ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम द जेल, ठीक है जी, रीडिंग ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम द जेल। लेकिन फिर भी ये इतना आसान नहीं होता। मतलब आपने डीएनए के पीसेस बनाने हैं जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो और डिफरेंट पॉइंट्स पे एंड हो, ये किस तरह बनेंगे, इलेक्ट्रोफोर्सिस चला हमने पढ़ लिया, फिर उसकी रीडिंग किस तरह होगी, मतलब आप डीएनए किस तरह रीड करोगे, वो भी जब बहुत ज़्यादा डीएनए, मतलब बहुत आपने बड़ा डीएनए लिया है, फिर उसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स बनेंगे, उन सबको रीड किस तरह करेंगे, तो हम उसे देखते हैं ज़रा। सो यहाँ पे आपको एक और टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं डाइडियोक्सी। वैसे जो डीएनए होता है, इट इज़ अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है एक सिर्फ लेते हैं हम डीएनटीपी।
ठीक है, इसे हम कहते हैं डी ऑक्सी, आगे आ जाएगा एन से नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ट्राईफॉस्फेट, टीपी से क्या बन जाएगा, टीपी स्टैंड फॉर ट्राई फॉस्फेट, डी स्टैंड फॉर डीऑक्सी और एन इज अ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नॉर्मली डी एन टी पीज हमें रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए की एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है, नॉर्मल वी यूज डी एन टी पीज जो कि आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ठीक। अच्छा, एक टर्म है जो यहाँ पे नहीं आ रही, डेट इज डबल डी एन टी पी, डबल डी एन टी पी, सो बकाया सेम है, मतलब एन टी पी, टी पी स्टैंड फॉर ट्राईफॉस्फेट, एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, टी पी स्टैंड फॉर ट्राईफॉस्फेट, व्हाट स्टैंड फॉर डबल डी, डी स्टैंड, डबल डी स्टैंड फॉर डाई डीऑक्सी, ठीक है। अच्छा, डीऑक्सी और डाई डीऑक्सी में क्या फ़र्क है, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, मतलब ये ट्राईफॉस्फेट है जिस तरह आपके सामने ये है, सही, ये नाइट्रोजनस बेस है डेट इज़ एन, जो कि उसमें हमने यूज़ किया था। अच्छा, जो नॉर्मल डी एन टी पी है या जिसे हम डीऑक्सी कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज, उसके अंदर जो तीसरा कार्बन होता है उसके अंदर ओ एच लगा होता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, ठीक है, जबकि डी डी एन टी पी के अंदर सिर्फ एच होगा, नो ओ एच, सही। होगा क्या कि हमें पता है कि जो डी एन ए की सिक्वेंसिंग होती है या तो वो 5' to 3' होती है, ठीक है, या फिर इसी के उलट अगर देखें तो 3' to 5' होती है, ऐसे ही है, आपने पढ़ा होगा डी एन ए की जो सिक्वेंसिंग है 3' to 5' या फिर 5' to 3', यानी 5' और 3' बेसिकली ये कार्ब जो शुगर के कार्बन है उनके नंबर्स होते हैं, सही। होगा क्या कि मतलब मतलब हमारे पास एक कोड है ए टी जी, ठीक है, इसके अगेंस्ट मतलब ये कोड रन कर रहा है ए टी जी, इसके बाद ए है, फिर उसके बाद टी है, उसके बाद सी है फॉर एग्जांपल, तो इसके हम अपोजिट बनाना शुरू करते हैं, इसके अपोजिट आ जाएगा टी, ठीक है, इसके अपोजिट आ जाएगा ए, इसके अपोजिट आ जाएगा जी। अच्छा, यहाँ पे हम एक ये डी डी एन टी पी वाला उठा के ले आते हैं, ठीक है, डी डी एन टी पी वाला हमने यहाँ पे टी उठा के रखा है, ठीक है। अब ये टी जो सा है वो डबल टी एन टी पी वाला है, होगा क्या फिर यहाँ से आगे टर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है, इससे आगे चेन नहीं बढ़ेगी, चीज़ समझ आ रही है कि मतलब जो बाइंडिंग थी ना वो 5' to 3' होती है, मतलब 5' ऊपर 3' होगा, फिर इसी तरह इसके नीचे 5' होगा, लेकिन जब इसके ऊपर 3' होगा, लेकिन जब हमारे पास डाई डीऑक्सी वाला आएगा तो उसके बाद उसकी बाइंडिंग ही रुक जाएगी, ठीक है, तो वो फिर जो इलोंगेशन का पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें कह लें कि इलोंगेट हो रही होती है, यानी कह लें कि यानी न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे होते हैं, जुड़ना बंद हो जाएंगे, ठीक है, जुड़ना बंद हो जाएंगे तो वहाँ पर वो चेन रुक जाएगी, आगे मजीद बढ़ेगी नहीं, समझ आएगी। सो ये हमारे पास इतना सा एक फ्रेगमेंट बन जाएगा, इसी तरह बास के अंदर सी लग जाएगा, बास के अंदर ए लग जाएगा, बास के अंदर इसी तरह जी हमारे पास एक होगा डी डी एन टी पी की शक्ल के अंदर ना, तो जहाँ जहाँ ये डाई डी ऑक्सी नाइट्रोजनस बेसिस लगेंगी वहाँ वहाँ वो चेन रुकती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपके पास, आपको इन बीच में काटने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद ही आपके जो डी एन ए हैं उसके अंदर यानी डिफरेंट लेंथ की जो सी है ना वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनता जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंट लेंथ का सीक्वेंस बनता जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल सा, यानी अब बहुत सिंपल हो गया, अब आपने डी डी एन टी पी वाला आ गया आपके पास, बस ये एक और एग्जांपल इसकी, सही, तो यानी ये शुरू में प्राइमर है तो उसके हिसाब से ये हमारे पास मुख्तलिफ लेंथ की बनती जाएंगी, क्या कहेंगे इसे हम, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनता जाएगा, ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को यानी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी, विद डिफरेंट लेंथ, ठीक है, इनकी लेंथ डिफरेंट है, क्यों हो रही है डिफरेंट, वाई ड्यू टू डी डी एन टी पीज, ठीक है, जहाँ जहाँ डी एन टी पी लगेगा वहाँ वहाँ। अच्छा, डी डी एन टी पी एक चीज़ आपने ध्यान में भी रखनी है कि ये डी डी एन टी पी मुख्तलिफ शक्लों में होगा, मतलब डी डी ए टी पी होगा एडिनोसिन जब लगा होगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, फिर डी डी जी टी पी होगा, मतलब गुआनिन ट्राईफॉस्फेट है, सही है, और फिर डी डी
लाइक टीटीपी होगा थायोसिन ट्राईफॉस्फेट और लास्ट में डीडीसीटीपी साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो ये नहीं है, इस शक्लों में होगा। तो जहाँ जहाँ ये डीडी एनटीपीस लगते जाएंगे वहाँ वहाँ आपके पास इनकी जो सी लेंथ है वो कम हो रुक जाएगी वहाँ पे। फिर आपने जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी डिफरेंट लेंथ है डीडी एनटीपीस की वजह से आ रहे हैं, इसको आपने रन करना है इलेक्ट्रोफोर्सेस, इसके आपने क्या करना है इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि हमने मुख्तलिफ लेंथ के डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिए, उस कह लें कि हमारा जो कोर डीएनए था उसमें से हमने मुख्तलिफ लेंथ के डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिए, सही। अब उसके बाद हमने उसकी इलेक्ट्रोफोर्सेस करवानी है। इलेक्ट्रोफोर्सेस के बाद हमारे पास वही बैंड बनेगा लाइक सही, जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के अंदर, ठीक है, एक जिस तरह। अच्छा, इससे हम रीड कर सकते हैं किस तरह, मतलब बल्कि इस तरह नहीं बनेगा, सॉरी मैं गलती कर गया यहाँ पे, ये इस तरह नहीं बनेगा। अच्छा, इससे पहले मैं एक थोड़ी सी चीज़ मज़ीद बताना चाहूँगा, मतलब डी डी ए टी पी वाला हमने टेस्ट ट्यूब वाली जो टेस्ट ट्यूब है वो अलहदा रखनी है, ठीक है। फिर डी डी जी टी पी वाली टेस्ट ट्यूब हमने अलहदा रखनी है, ठीक है। डी डी टी पी वाली जो टेस्ट ट्यूब है ये हमने अलहदा रखनी है। डी डी सी टी पी वाली टेस्ट ट्यूब हमने वो भी अलहदा रखनी है। सो हमारे पास टेस्ट ट्यूब नंबर वन, टेस्ट ट्यूब नंबर टू, टेस्ट ट्यूब नंबर थ्री, टेस्ट ट्यूब नंबर फोर, इन्हें हम लेबल कर लेंगे, ठीक है। वन से स्टैंड फॉर एडिनोसिन, टू से स्टैंड फॉर गवानिन, ठीक है, थ्री स्टैंड फॉर थायामिन एंड फोर स्टैंड फॉर साइटोसिन, सही। अब हमने जब इसे रन करना है इलेक्ट्रोफोर्सिस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट करना है कि हमने टी वन वाला सैंपल यहाँ पे रन करना है, ठीक है, इट इज़ टी वन, ठीक है। फिर टी टू वाला सैंपल हमने यहाँ पे रन करना है, टी टू, टी थ्री वाला सैंपल हमने यहाँ पे रन करना है, टी फोर वाला सैंपल हमने यहाँ पे रन करना। सो टी वन किसके लिए था, एडिनोसिन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो बैंड्स आएंगे सारे वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, एडिनोसिन, मतलब ये ए है, ए ए ए ए ए, ठीक है। अच्छा, टी टू वाले जो हमारे पास आएंगी बैंड्स कह लें कि वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, टी टू किसके लिए था मैं भूल गया, टी टू है जी के लिए, ए जी टी सी, मतलब टी वन ए जी टी सी, ठीक है, इस तरह। सो टी टू वाली जो सी बैंड्स आएंगी, जो टेस्ट ट्यूब टू का जो सैम्पल है, एस टू कह लें, टी टू कह लें या सिर्फ जी कह लें, उनकी जो बैंड्स आएंगी वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी, जी को, मतलब ये जी आ जाएगा, फिर इसके नीचे जी आ जाएगा, फिर इसके नीचे, सही, इस तरह टी थ्री। यानी अब इससे थोड़ी सी गलती हो रही है, मतलब ये है कि आपने इसे सीक्वेंस में लिखते जाना है फिर ना, मतलब ए जी, फिर आगे अगर बैंड्स आती हैं उसके मुताबिक टी आ जाएगा, ठीक है, और अगर इसमें बैंड आ रही है कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बैंड आ रही है, सही, सी सी हो जाएगा, सही। तो यह हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वो ए जी टी ए ए ए जी ए सी ए जी, ठीक है, इस तरह आपके पास ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि हम किस तरह इतना श्योर हैं कि ये वाकई यही सीक्वेंस है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोफोर्सेस है उसने उन्हें साइजेस के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड भी ज़्यादा होगा या कम होगा वो उसके मुताबिक ही आगे या पीछे अपनी पोजिशन संभालेगा, ठीक है। तो इस तरह आपका कोड डेवलप होता जाएगा, सही। अच्छा, अब होता है क्या है कि मतलब ये आपके पास मुख्तलिफ बैंड्स आ जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स के हिसाब से, सॉरी ये आखिरी वाला, ठीक है, मतलब ये इसका बैंड आ गया, बीच में और भी कहीं बनेंगे, मुझसे सही बनाया नहीं जा रहा था इसलिए मैंने नहीं लिखा। सो इस तरह बैंड आ जाएंगे। अब आपने मैनुअल अगर आप रीड करें तो मतलब हमारे अंदर मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स या मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो मैनुअल आप इसे रीड नहीं कर सकते, फिर आप क्या करेंगे, मशीनों की हेल्प लेंगे। मशीनों की हेल्प लेने के लिए आपको इसकी लेबलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इन ऑर्डर टू यानी इसे कह लें कि ऑटोमाइज करने के लिए या ऑटोमेशन पे जाने के लिए, ऑटोमेशन से मतलब मशीनों पे जाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी लेबलिंग, लेबलिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है, लेबलिंग रिक्वायर्ड होती है, सही है, सही लिखा नहीं जा रहा यहाँ पे,
इज रिक्वायर्ड. सही है. अच्छा, अब लेबलिंग किस तरह करेंगे, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है. मतलब जो हम ए है फॉर एग्जांपल, ए को हम दे देते हैं ब्लू लेबल, ठीक है. ए के साथ हम ऐसी डाई लगा देंगे जो कि डी डी ए टी पी है ना. मतलब हम वापस ऊपर जाते हैं, चलें ये फॉर एग्जांपल डी डी ए टी पी है, इसके साथ जो है ना हमने ब्लू डाई डाल दी है, ठीक है. नहीं, जितने भी डाई डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट हैं वो सारे ब्लू कलर के हैं, ठीक. और जो हैं डी डी जी टी पी यानी डाई डीऑक्सी गवानिन ट्राईफॉस्फेट है, इसको हम फॉर एग्जांपल ग्रीन डाई दे देते हैं, ठीक है. सो ये ग्रीन होगी. और जो हमारे पास डी डी टी पीज हैं इन्हें हम फॉर एग्जांपल रेड डाई दे देते हैं, ठीक है. यानी और लास्ट में जो डी डी सी टी पी है, मतलब डाई डी ऑक्सी साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट है, इसको हम दे देते हैं पर्पल फॉर एग्जांपल डाई दे देते हैं. सही है. तो अब जो बैंड्स हमें अपीयर नीचे नज़र आएंगे तो वो कलरफुल हो जाएंगे, मतलब उनके अपने कलर आ जाएंगे, ठीक है. और हम इससे क्या करेंगे, इसको सम हाउ कोशिश करके इस सारे इलेक्ट्रो फोर्सेस को सिंगल कह लें कि अपनी लाइन के अंदर लेंगे, ठीक है जी. वी विल अरेंज इट टू द सिंगल लाइन कह लें, या सिंगल ब्लॉक के अंदर कह लें, या सिंगल सीरीज़ के अंदर अब से रन करेंगे, ठीक है. सिंगल लाइन या फिर सिंगल सीरीज़ में रन करेंगे, ठीक है. सिंगल सीरीज़ में रन करने का क्या फ़ायदा होगा, वही चीज़ मैं आगे आपको समझाना चाह रहा हूँ. ये कि उनके ऊपर मुख्तलिफ कलर आ जाएंगे, मतलब ए पे ग्रीन आ रहा है, टी पे रेड आ रहा है, जी पे येलो आ रहा है, सी पे ब्लू आ रहा है, ठीक है. और अब इन पर जब कलर्स आएंगे तो जो कंप्यूटर के डिटेक्टर है, ठीक है, मतलब ये आप देखें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रो फोर्सेस की साथ में स्ट्रिप चल रही है जिसके ऊपर कलर्स आ गए. और कलर्स बेसिकली इट इज़ रीड बाय डिटेक्टर, ठीक है. फोटो डिटेक्टर्स होते हैं और ये उनकी आउटपुट होती है, ठीक है. यानी जहाँ पे ग्रीन आएगा वहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, जहाँ पे रेड आएगा वहाँ पे रेड सिग्नल आ जाएगा. तो इस तरह ये काउंटिंग भी करते रहेंगे, मतलब ग्रीन एक दफ़ा आया है, फिर दो दफ़ा, दूसरी दफ़ा किधर आ रहा है, ये दूसरी दफ़ा आ रहा है, सही है, तीसरी दफ़ा यहाँ आ रहा है, चौथी दफ़ा यहाँ आ रहा है, पाँचवीं, वो फिर साथ साथ काउंटिंग छठी सातवीं आठ, तो वो काउंटिंग भी साथ साथ होती रहती है. तो इस तरह जो थाउजेंड्स ऑफ क्या लें या मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो आप घंटों में कर लेते हैं, घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में होता रहता है, क्योंकि मशीनें लगी होती हैं वो बहुत जल्दी रीड कर लेती हैं, सही. लेकिन मशीन तक लाने के लिए आपको उसकी लेबलिंग करनी पड़ती है विद प्रॉपर डाई या डाई विद अ कलर, ठीक है. तो इस तरह आपका कह लें कि जीन जो सा है वो सीक्वेंस होता है. अच्छा, ये जो सारा प्रोसीजर है, ठीक है, जो कि डी डी एन टी पीज वाला कह लें कि प्रोसीजर है, ये एक साइंटिस्ट था सैंगर्स के नाम से, उसके नाम से मशहूर है, सैंगर्स सीक्वेंसिंग मेथड के नाम से ना, सैंगर्स, सॉरी मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग, ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट यही मेथड है. वैसे एक और मेथड जिसका नाम मैक्सिम गिलबर्ट मेथड है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये होता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स करते हैं हम, उसको रन करते हैं, लेकिन उसके अंदर वो प्रिसाइज नहीं होते इतने ना, क्योंकि कभी डीएनए कहीं से कट जाता है, कभी कहीं से कट जाता है, सो लेट वो लेस प्रिसाइज होते हैं, ठीक है. इसके अंदर ज़्यादा एक्यूरेसी या प्रिसीजन है. और इसी सिक्वेंसिंग मैथड के ज़रिए हमने बहुत से एनिमल्स के, ठीक है जी, बैक्टीरियाज के, ठीक है, हमारे जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, उनके पैथोजेंस मतलब इसमें भी बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह आते हैं, ठीक है. इसके अलावा ह्यूमंस, ठीक है, इन सब के जीनोम जो से वो सीक्वेंस हो चुके हैं, जीनोम की सीक्वेंसिंग हो चुके हैं, मतलब उसका डाटा आपको ऑनलाइन अवेलेबल है और उससे मुख्तलिफ रिसर्च पर्पस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है. यानी एनिमल्स का मतलब इसमें रैट है, रैट के बारे में, बैक्टीरिया के अंदर बहुत सी एग्जांपल्स है, ठीक है, पैथोजेंस में भी बहुत सी एग्जांपल्स है जिसके इस टाइम इकोलाई वगैरह है, उसके जो सारा सीक्वेंस हो चुका है. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, मतलब अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे. और ऑफ कोर्स प्लांट्स का भी हुआ है, ठीक है, बहुत से प्लांट्स का भी जीनोम जो है वो रीड हो चुका है. इसमें एग्जांपल इन्होंने दी हुई है एक अरेबिडोप्सिस के नाम से,
अरेबिडोप्सिस, ठीक है, ह्यूमंस का हो चुका है। पैथोजेंस में इकोलाई की एग्जांपल है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर भी इकोलाई की एग्जांपल दे सकते हैं आप, सही। इसके अलावा यीस्ट का हो चुका है, सही। एनिमल्स में रैट का है, ड्रोसोफिला का हो चुका है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने सीक्वेंसिंग पढ़ी। सो ओवरऑल जो से स्टेप्स से सीक्वेंसिंग वो तीन थे। फर्स्ट आपने डीएनए को सप्लाइस करना है, मतलब तोड़ना है इस तरीके से कि वो एक जगह से स्टार्ट हो और डिफरेंट एंड पे टर्मिनेट हो, मतलब डिफरेंट एंड्स पे टर्मिनेट। उसके बाद फिर आप उसकी इलेक्ट्रोफोर्सिस करेंगे ताकि उस साइज़ के मुताबिक सेपरेट हो जाए, फिर उसको आप रीड करेंगे, ठीक है। रीड करने के लिए उसकी लेबलिंग ज़रूरी है क्योंकि फिर उससे आपको आसानी होगी, वो ऑटोमेशन के अंदर रीड हो सकते। तो अब जो से मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर रिबोट्स काम कर रहे होते हैं, इवन ह्यूमन भी नहीं आते, रिबोट्स की ज़्यादा प्रिसीजन होती है इसलिए रिबोट्स को यूज़ करते हैं। वो खुद ही यानी सब चीज़ें मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद में कंप्यूटर से रीड कर लेते हैं, सही। अगले लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे।